नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। इन दिनों परीक्षा होती है, क्वेश्चन आउट होता है, परीक्षा क्या रद्द भी होती है। जेपीएससी में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए, आपने देखा होगा कि पीटी परीक्षा में क्वेश्चन आउट को लेकर के कई बार इसे लेकर सड़क पर आंदोलन किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट से जो होना था हुआ, लेकिन बीपीएससी में भी आज परीक्षा हुआ और परीक्षा होने के बाद कुछ देर के बाद ही पता चल गया कि टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आ गया था। 17 जिले में अमूमन ये क्वेश्चन पहुंच गया था और इसके बाद सेंटर पर सारे क्वेश्चन हूबहू वही थे जो पहले दिन ही आउट हो गए थे। आज जांच आयोग बैठाया गया। जांच आयोग बैठाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कल तक रिपोर्ट आएगी, 24 घंटे के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन रिपोर्ट 4 घंटे में आया और 4 घंटे के बाद बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आप सोचिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की आप तारीफ कीजिए कि बीपीएससी ने एक कीर्तिमान भी किया कि अपनी चीजों को पटरी पर लाया, लेकिन जैसे उसे पता चला कि क्वेश्चन आउट करने वाला गिरोह सक्रिय है और वो गिरोह इतना मजबूत है जिसने पूरी बुनियादी ढांचे को हिला दिया है। क्योंकि बीपीएससी के बारे में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि पहले आप सिर्फ एडमिट कार्ड दीजिए और उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट मिलने के बाद आप पेमेंट करेंगे। इस प्रकार की खेला पटना में चल रहा है। पटना के अलावा आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, नवादा में ये चीजें हुई और इसके बाद ही तुरंत सेंटर से एक खबर आने लगा कि परीक्षा में धांधली हो गई है। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जेपीएससी में भी ऐसे कई घोटाले आए। जेपीएससी में कई बार ऐसी स्थिति आई, क्वेश्चन आउट की खबर आई, हूबहू क्वेश्चन लड़ने की खबर आई, ये पता चला कि एक ही सेंटर से कई लोग पास कर गए। मेंस में भी ऐसा हो गया है कि सीरियल वाइज लोग मेंस पास कर गए, सीरियल वाइज लोग पीटी परीक्षा पास कर गए, लेकिन जेपीएससी कुछ नहीं सुनती। बदनामी होती है तो होने दो, हम कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन बीपीएससी ने स्टूडेंट की बात को समझा और ये समझा कि जो मेरिट के स्टूडेंट हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए और इसे देखते हुए उसने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। हालांकि परीक्षा रद्द करने से सरकार को लाखों रुपया का घाटा होगा, इतने स्टूडेंट का सेंटर फिर से बनाना होगा, फिर से नया क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना होगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह सब कुछ करने में कितना मेहनत लगेगा और इसके बावजूद अब परीक्षा फिर से होगी। कल तक उम्मीद की जा रही है कि सभी लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, जो लोग इस पूरे काम में थे उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। कुछ लोगों को आज देर रात में ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक संकेत मिलता है कि सरकार थोड़ी स्टूडेंट्स के लिए सोचती है। चाहे एक और केंद्र हो या राज्य हो, दोनों में बेरोजगारी जबरदस्त है। वहां एक भी वैकेंसी निकलता है हजारों लोग क्यों में आ जाते। हाल ही में लाश जलाने वाले की वैकेंसी आई थी बंगाल में और उसके लिए बीटेक एमटेक की लाइन लग गई थी। झारखंड में शराब बेचने के लिए असिस्टेंट की जरूरत थी, 14 से 18 हजार पेमेंट था। इसमें जो 1 लाख लोग अप्लाई किए थे उसमें अधिकांश लोग बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक और एमटेक थे, जो बेंगलोर, पूना और अन्य शहर में लाखों रुपया खर्च करके अपनी डिग्री लिए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या होगा। एसएससी में 1-1 करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं, रेलवे में 1 करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं। ऐसे में परीक्षा देने के लिए जो छात्र जाते हैं उनके बारे में विचार करना होगा कि उनके पास पैसे की दिक्कत है। पैसा बहुत मुश्किल से वो अरेंज करते हैं, परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं और इसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, उनके ऊपर क्या बीतता होगा इसको समझने की जरूरत है। उन छात्राओं के लिए आपको सोचने की जरूरत है सरकार को, कि जो लोग गांव से शहर तक की दूरी तय करने के लिए भी कर्जा लेते हैं, क्या उनको वो कर्ज वापस मिल पाएगा? क्योंकि जो लोग पकड़े जाएंगे उन्होंने पैसा लिया होगा कुछ लोगों से, करोड़ों रुपये का इसमें खेला हुआ होगा, लेकिन आम स्टूडेंट्स को इससे क्या लेना देना है? उसकी हर साल और हर दिन एक नया दिन होता है, उसे लगता है कि इस साल नौकरी लग जाएगा, तैयारी करते रहते। झारखंड में जेएसएससी की स्थिति देख लीजिए, किसी से छुपी हुई नहीं है। कोर्ट में मामला चला गया, जो दौड़ अप्रैल में होने वाली थी उसका मई में भी कोई अता पता नहीं है, जो परीक्षा अप्रैल में होने वाली थी उसका जून तक में होने की संभावना नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट
का नाराज होना स्वाभाविक होता है। ऊपर से परीक्षा होती है तो चोरी चल जाती है। चोरी चलने के बाद भी जो रिजल्ट आता है कोर्ट में चला जाता है। सरकार को ये देखने की जरूरत है कि आखिर कैसे इससे निपटा जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। जो लोग जेपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हमारे नंबर पर, वो किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। जो भी जानकारी उनको चाहिए, हमारा हेल्पलाइन लगातार तैयार है आपको उसकी मदद करने के लिए। जो हमारे पैनलिस्ट हैं हर शहर में मौजूद हैं, जिसमें सचिव, अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आप उसका लाभ